आदर्श अमृत 5,35,000 रुपए ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई। भुजरिया अमृत सरोवर 14,08,000 रुपए ग्राम पंचायत रमऊ के द्वारा बनाया गया। देहाती मार्ग 1,00,000 रुपए ग्राम का। इसी क्रम में देहाती मार्ग का विमोचन जनपद में 618 ग्राम पंचायतों में आपके करकमलों से 116 ग्राम पंचायतों में आज यहाँ से इसका विमोचन देहाती मार्ग का, जिसमें हमारी ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ते हुए विद्यालय में जो डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है उसमें उनको कम कीमत में उन्हें ड्रेस उपलब्ध कराना, एक बार जोरदार ताली हो जाए देहाती मार्ग। लाभार्थी गणों का सम्मान एवं उन्हें योजनाओं से आच्छादित करना। इस क्रम में सबसे पहले हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें शिशु के एवं बधाई पत्र के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती रूपी और श्रीमती सीमा को। व्यवस्था में लगे हुए कर्मचारी अतिशीघ्र लाभार्थियों को यहाँ पर मंच पर लाए। इनको नवरात्र के पावन पर्व पर ये जो बेटियों ने जन्म लिया है, इन बेटियों को का जन्म दिवस मनाते हुए इनको बेबी किट, इस बेबी किट का निर्माण भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया गया और इन ये नन्ही मोटी बालिकाओं देवी स्वरूप बालिकाओं को बेबी किट एवं माताओं को बधाई पत्र, जिसमें इन बेटियों को मिलने वाली समस्त योजनाओं का आंकन है वो प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में गांव की गरिमा उपाधि से सम्मानित आकांक्षा कल्याण पुत्री श्री कृपा शंकर और फौजिया पोषण पत्नी श्री अनवार हुसैन। भाई ताली भी बजाते चलो। महिला सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान की नई मिसाल पेश करते हैं आकांक्षा, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर जनपद फतेहपुर में तैनात है और फौजिया कौशल ये प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय उन्नाव में आप तैनात हैं। इस गांव का आपने नाम रोशन किया। इसी क्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, हम सम्मानित वृद्धजनों को आमंत्रित करते हैं और उप मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे अपने कर्तव्यों से इन वृद्धजनों को सम्मानित करें। इसी क्रम में मैं बुला रहा हूं श्रीमती जमुना देवी, श्रीमती रामश्री, श्रीमती आमना बेगम, इंसाफ हुसैन और श्री कृपा शंकर। ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जे आ रहे हैं, वृद्धजन आ रहे हैं, इन्हें सभी लोगों को लाया जाए। श्रीमती जमुना देवी, श्रीमती रामश्री, श्रीमती आमना बेगम, श्री साफ हुसैन और श्री कृपा शंकर, ये हमारे वृद्धजनों को हमारे उप मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों से वस्त्र शॉल फल मिष्ठान छड़ी इत्यादि सभी भेंट कर वृद्धजन दिवस की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। इसी क्रम में यूनिफॉर्म वितरण देहाती मार्ग के द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित देहाती मार्ग के माध्यम से उन्हें मिली है यूनिफॉर्म। इसमें सौरभ सिंह कक्षा 4 और ऋषभ गौतम कक्षा 5 यूनिफॉर्म वितरण में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि बच्चों के अभिभावकों के खातों में हस्तांतरित की जा रही है, जिसमें देहाती मार्ग की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 300 रुपए में यूनिफॉर्म बनाकर उन्हें तैयार कर दी जा रही है और उन्हें वितरित किया जा रहा है।